ये हमारी सुबह की पूजा हो गई है हनुमान जयंती की। आप सभी को बहुत 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 शुभकामना। ये लीजिए, हनुमान जी के दर्शन करिए। इनका प्रसाद वगैरह जो बनाया था, ये मैंने इंडियन अपना भारतीय स्वीट गुड़ की मिठाई बनाई है, आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी। तो अभी जरा सा काट के मैंने हल्का सा जो है भगवान को चढ़ा दिया है, भगवान जी ने खा लिया। और आप सभी को हनुमान जयंती की बहुत बहुत शुभकामना। मिठाई मैंने काटने के बाद ये देखिए इस तरह से लग रही है, क्या मस्त लग रही है। एक तरह से गुड़ का मिल्क केक है गुड़ के साथ में, और हनुमान जी को खूब पसंद आएगा। आप लोग भी बना के चढ़ा सकते हैं इस तरीके से, गुड़ वाला मिल्क केक। ये लीजिए, ये हनुमान जी के, पहले मैंने थोड़ा सा वहाँ चढ़ा दिया था, उसके बाद में। तो मैं इसको शेयर करने चल रही हूँ, इसको किन चीज़ों से मैंने बनाया है। तो सबसे पहले करीब 200 ग्राम मैंने काजू ले लिया है, और उसको मैं बारीक बिल्कुल पीस लूँगी। आप हल्का सा दरदरा भी रख सकते हैं, दरदरा भी रख सकते हैं। तो ये हल्का सा ही दरदरा है तो मैंने रख लिया है, या फिर बारीक भी कर सकते हैं। और करीब उतना ही मैंने गुड़ लिया है 200 ग्राम। आप इसको कम ज़्यादा दोनों कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसा रेशियो नहीं है कि ये ज़्यादा हो जाएगा वो कम हो जाएगा तो कोई दिक्कत होगी। और ज़रा सा पानी डाल दी हूँ जिससे बस पिघल जाए गुड़। गुड़ का मैंने पाउडर लिया है, आप गुड़ डली ले सकते हैं, भेली मतलब उसको कद्दूकस करके डाल सकते हैं इस तरीके से बढ़िया। और ये 200 ग्राम मावा है, इसको मैंने फ्रीजर में रख दिया था जिससे ख़राब नहीं हो, तो थोड़ा जम गया है, कोई नहीं। इसको जब हम इसमें डालेंगे गुड़ के जो पिघला हुआ है एकदम गर्म है, तो ये जो है अपने आप पिघल जाएगा। तो इसको खूब अच्छे से पहले हम पिघला लेंगे। ये देखिए मस्त एकदम पिघल गया है, बढ़िया से इसको वो कर देंगे पक जाए, जिससे कि मावा इसके साथ में गरम खूब है, ये खूब अच्छे से पक जाए। तो इसके बाद इसमें डाल देंगे हम जो काजू पीसे हैं। काजू जो है थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं, काजू से इसको बहुत अच्छी वो मिलती है, मतलब आप इसको जमा देंगे ना तो ये इतना बढ़िया हाथ से टूटेगा, एकदम खस्ता वाला मतलब टेक्सचर मिलता है इससे। और काजू का टेस्ट भी गुड़ के साथ में बहुत अच्छा लगता है। आपको वो मिल्क केक जो होता है ना, कुछ कुछ वो भाई गुड़ वाला टेस्ट तो आएगा, गुड़ वाला मिल्क केक आपको एकदम लगेगा। तो बिल्कुल डिफरेंट मिठाई है, आप लोग ट्राई ज़रूर करिएगा। और मिल्क केक इसलिए बना रही हूँ, हनुमान जी की जयंती है, जन्मोत्सव है, तो मैंने कहा भाई हनुमान जी के लिए केक बनाते हैं। और कैसे बनाएं, गुड़ वाला बनाते हैं जिससे एकदम शुद्ध हो, घर की सारी चीज़ें हों। तो ये करछी में यहाँ पर लगा था थोड़ा काजू, इसको निकाल लिया मैंने, और इसके बाद में इसको पकने देते हैं। इसको इसका टेक्सचर ज़रूर समझिए जिससे कि परफेक्ट आपका बने। तो इसलिए मैं अच्छे से दिखा रही हूँ, इसको चलाते जाइए, थोड़ा सा चलाते रहना ज़रूरी है क्योंकि काजू जो है हमेशा चिपकने लगता है। और साथ में एक थाली तैयार कर लीजिए, थाली में हल्का सा घी, बहुत ज़रा सा घी डाल के, और इसको थोड़ा सा हाथ से या फिर कोई ब्रश हो तो ग्रीस कर लीजिए, बढ़िया ग्रीस करके इसके बाद में इसमें ये जो अपना बनाए हैं गुड़ के बर्फ़ी का जो उसको देखिए, देखिए कढ़ाई छोड़ने लग गया है ना, ये अब छोड़ना शुरू कर दिया है। तो थोड़ा सा और इसको कड़क कर सकते हैं, कड़क से मतलब है कि थोड़ा सा ज़्यादा पका लेंगे तो उससे क्या है कि श्योर हो जाता है कि ये बिल्कुल थाली में बढ़िया से कड़क बर्फी मतलब को मिलके एक अच्छा सा निकलेगा। और थोड़ा नरम चाहते हो तो आप अब इसी समय जब वो कढ़ाई छोड़ रहा था किनारे किनारे, उसी समय आप थाली में जमा दीजिए। और मैं थोड़ा सा कड़क कर रही हूँ क्योंकि मैं थोड़ा सा कड़क ही चाहती हूँ। तो ये लीजिए मेरा तैयार हो गया, अब मैं इसको थाली में जमा देती हूँ। हल्का सा चिपकने वाला इसलिए होता है, गुड़ भी चिपकता है और साथ में काजू भी पक जाता है तो चिपकता है, लेकिन कोई नहीं,
बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छा, आप लोग ज़रूर ट्राई करना। ये गुड़ की बहुत ही अच्छी मिठाई है, मिल्क केक, गुड़ वाला मिल्क केक। मेरा वर्जन है, मुझे नहीं पता ये कहीं बनता है कि नहीं बनता है, क्योंकि मैंने अपने से ही खुद ही ट्राई किया था, खुद ही बनाया, मुझे पसंद आता है, बच्चों को पसंद आया, इसलिए मैं इसको बनाती हूँ। तो ये भगवान जी के लिए मैंने कहा कि आज भगवान जी का बर्थडे है तो ये बनता है केक। बाजार का केक तो हम ले आ नहीं सकते थे, वो केक तो चलता नहीं है, और वो केक मैदा वगैरह का भगवान को चढ़ाना अच्छा भी नहीं लगता है मुझे तो। तो मैंने कहा कि भाई ये वाला भगवान को चढ़ाएंगे और अपन वो बढ़िया प्रसाद खाएंगे, ऐसे हेल्दी हेल्दी। तो ये ऊपर से मैंने पिस्ता डाला है, आप और कतरन ले सकते हैं, हल्का सा काजू बादाम का कतरन ले सकते हैं, इस तरह से देखिए निकल रहा है। तो ये वाली मिठाई आप लोग ज़रूर ट्राई करना, बहुत अच्छी, बहुत टेस्टी बनेगी। तो इसी के साथ ही आज का ब्लॉग थोड़ा छोटा रहा, यहीं तक, मिलते हैं कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। एक बार फिर से आप सभी को हनुमान जन्मोत्सव की बहुत 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 शुभकामना। तो एक बार बोलते हैं जय श्री राम, जय हनुमान, जय सियाराम।